Assalamualaikum friends, welcome back to another vlog. आज हम इंशाल्लाह आप लोगों की E36 को नीचे से तुलवाने जा रहे हैं. इसके कुछ ऑयल्स की लीकेजेस हैं, वो हमने कंफर्म करनी है. जब तक नीचे सारे ऑयल्स अच्छी तरह से साफ नहीं होंगे, जो पुराने भी थे इंजन का काम होने से पहले, तो तब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि इसमें किस चीज़ की लीकेजेस हैं, कहाँ से ऑयल लीक होता है, तो फिर हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा. तो इंशाल्लाह बस इसको कोल्ड स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह बस ये थोड़ी सी हो जाए, टेम्परेचर ऊपर आ गया बल्कि, तो बस इसको निकालते हैं बाहर, तो फिर जाके इंशाल्लाह आप लोगों को सारे इसके सीन्स मज़े के दिखाता हूँ. बॉयज, ये जब हमने शॉक्स फिट किए हैं तो ये एक बोल्ट कहीं इधर उधर हो गया था, वो नहीं मिल रहा था. मैंने कहा ये बॉयज तो ज़रा हम ये बोल्ट लगवा लें. अभी हम फुल टाइम अवल तो दो भी लगे हैं तो कह रहा, लेकिन बस एक दिल को तसल्ली नहीं थी, एक टेंशन थी दिल में कि भाई तीनों नहीं लगे हुए, अब लग गए हैं तो अब हम सुकून में आ गए हैं. ये हमारा बबर शेर है जी, बहुत अच्छा बच्चा है. हम बस ये सर्विस स्टेशन पे पहुंच गए हैं और ये बस अभी हमने कार पार्क कर दी है, भाई हमारी कार लगवा रहा है, तो बस अभी इसको उठाते हैं ऊपर और फिर नीचे से भी आप लोगों को सब दिखा देंगे. ये पहुंच गई है जी ऊपर. ये इसके नीचे माशाल्लाह से सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन कहीं कहीं लीकेज है. ये देखेंगे फिर नीचे ऑयल लगा हुआ है, ये सारा ये सब धुलेगा तो फिर हमें कंफर्म होगा कि गाड़ी में नीचे हमारे क्या काम है, कहाँ से लीकेज होती है और क्या चक्कर है, तो फिर अगली बात हम आप लोगों को बता सकते हैं. मौसम माशाल्लाह से क्या खूबसूरत होता जा रहा है, आप देख सकते हैं सारे चीज आपके सामने है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, ताकि और बड़े बड़े का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और सब पता चले कि आप खुल गया फुल टाइम, चमक गया, आप देख सकते हैं एक एक चीज फुल साफ हो गई है, हर चीज क्लियर नजर आ रही है. तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर दो दिन चला के, फिर जहाँ से जो लीकेज आएगी वो फिर हम क्लियर कराएंगे. पीछे से भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए डिफरेंशियल भी खुल चमक गया और हर चीज क्लियर नजर आ गई, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया. वाइपर कुछ थोड़े से तंग कर रहे थे, ये भी हमने कहा बदल लें. ये हमें फुल गेम कर रहा था, चक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इसके चक्कर में नहीं आए और अब इसने नए वाइपर हमें अंदर से ला के लगा के दिए हैं. अब देखते हैं जी कि ये अब हमारा मसला हल हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. यस नहीं तो हूं रोड खराब है क्या? नजैम मेरा रोड खराब कह रहे थे, रोड खराब है, तो खुदा का नाल है.